अस्सलाम वालेकुम मेरे भैनों ते भाइयों, की हाल है तुहाडा? इंशाल्लाह तुसी अल्लाह दे करम नाल ठीक होवोंगे, ते मैं भी ठीक हाँ। ते अज ईद दा हुण दिन करीब है, अज 29वां रोज़ा रखना है। ते अज मैं तुहानू मिठा कुछ बना के दसन लगी हां, वह भी देसी अपनी अम्मी दी रैसपी नाल। तो मेरे घर जरूर बनता, तुसी शीर खुरमा वगैरह तो बहुत खाधा होएगा, लेकिन साढ़े घर भी वह बनता, लेकिन नाल यह भी बनता है। तो अज इंशाल्लाह मैं तुहानू दही सेवियां बना के बहावगी, और तुसी बिल्कुल देसी और सादे तरीके नाल इंशाल्लाह ट्राई करना, खाना बहुत मज़ेदार है। लेकिन ये वे कि दही जेड़ा बहुत ठंडा होना चाहिए, और सेवियां भी मुकम्मल ठंडिया होनी चाहिए। जड़िया चीज़ा इस्तेमाल करनिया ने सवइयां, चीनी, दही, दूध। असी हूँ बनाना शुरू करने हैं, तो चलो साढ़े नाल देखो कि मैं किस तरह बनानी हाँ। यह पानी असी उत्ते रख दिता है, यह पानी नू उबाला जो आएगा तो ये सवइयां पावांगे, तो फिर इनू दो तीन उबाले दवावांगे कि सवइयां गल जाण, फिर इनू छान लाँगे। तो अगे देखो फिर की होंगे। यह पानी नू उबाला आ गया, तो हम असी ये सवइयां पाउण लगे हैं। सेवियां सी छान के तो एक बार ठंडे पानी थलियो नगाइया ने, वे लो इन्हों घी बिल्कुल नहीं लाना है, घी तो बगैर क्या वे लो खिलिया खिलिया लैदा लैदा ने और गलिया हुई भी ने, क्योंकि ये जरूरी है सवइया भी ठंडिया हो, दही भी ठंडा होए, दूध भी ठंडा होए, फिर मज़ेदार बन दिया ने। तो चलो हूँ इन्होंने बनाना शुरू करने, क्योंकि ठंडिया हो गई ने, तो हम बना के मैं दिखाई अपने भैन भरावान। सेवियां असं बना लगे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ए सेवियां पाइया जे, ए तो सब तो पहले असी दूध पावांगे। ये दूध डाल लिया हमने, अब हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपनी मर्जी, हसब जैका, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा, कम पसंद है कम। असी हूँ मिक्स करांगे, इंशाल्लाह देखने से तुम ईजी लग रही है, लेकिन खाने इंतहाई मज़ेदार ने। लेकिन यदि शर्त है कि दूध दही हर चीज़ ठंडी, दूध चीनी तो सेवियां मिक्स हो गई ने, हूँ असी ये दही पाने। बिस्मिल्लाह, हूँ इन्हों अच्छी तरह असी मिक्स करांगे अच्छी तरह। ये देखें जी, अभी सर्दियों की दही होना तो ज़्यादा ये गाढ़ापन आता है, अब गर्मियों की तरह दही उतनी गाढ़ी नहीं होती, लेकिन खाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेंगे, मज़ा आएगा। ये थी मेरी आज की रेसिपी, ये इंशाल्लाह यूट्यूब पे आपने नहीं देखी होगी, ये देसी मेरी रेसिपी है, मेरी अम्मी नानी अम्मा के ज़माने की है, वो हमें बता मसी अभी तक हमारे घरों में ये चल रही है। तो इंशाल्लाह आप ट्राई करें, खाएँ, आपको इंतहाई मज़ा आएगा, और बिल्कुल आसान है, और बिल्कुल कोई ज़्यादा ख़र्चे वाली चीज़ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह खाएं, टेस्ट करें, आपको पसंद आएगी। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह आपको देसी और नई नई चीज़ें बना के दिखाती रहूँगी। तो मेरी तरफ से सारे मेरे बहन भाइयों को ईद मुबारक, तो अल्लाह पाक आपको सारी खुशियाँ नसीब करें, आमीन। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, फिर नई वीडियो में आऊँगी।